सो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुब्राज ग्रुप में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सबके चाहते हमारे सुब्राज ब्रांड के ओनर अजीत सर। हेलो अजीत सर। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग सबको, जय आदिवासी, जय जवाहर। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हुई है अजीत सर से, और अजीत सर भी गए थे अफ्रीका गए थे, फिलहाल अभी आ चुके हैं अपने ऑफिस पर। तो अजीत सर काफ़ी इंतज़ार में थे हमारे सुब्राज ब्रांड के सभी दोस्त सभी लवर्स, तो क्या संदेश आप देना चाहोगे हमारे सभी सुब्राज लवर्स को? आशा करता हूँ कि हमारे चाहने वाले सुब्राज ग्रुप के साथ में जुड़ने वाले लोग, फैन और हमारे ऑडियंस को बहुत बहुत सुखदमय हो, सब लोग खुश हो, वही एनी टाइम में आशा में रहता हूँ। चाहने वाले नहीं चाहने वाले कभी सबको हम हमारे तरफ से कुशल मंगल का हम प्रणाम करते हैं। तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगा, अभी आपका पहला प्रोग्राम है वो है 8 अगस्त का पहला प्रोग्राम है कोपुरा में 8 अगस्त में है। 8 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा मूर्ति स्थापन के लिए अपन जा रहे हैं 8 तारीख को। 9 तारीख को तो सबको पता है गए साल से बुकिंग था, हम सनगढ़ में आ रहे हैं, सनगढ़ के फैन याद कर रहे हैं। जी। और सर नई टी शर्ट आई है क्या अभी सुब्राज बैंड की? टी शर्ट आ गया है, नई शर्ट नए निचले स्टाफ का रिदम वाले का, और ऊपर का तो बनाने के लिए अभी सब आर्टिस्ट नवापुर में है, आज गए हैं मैनेजर के साथ में, सब मुझे बताया अकाउंटेंट ने, सुबह में गए हैं। हम भी यहाँ पर आए तो हमने देखा लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था, फिर हमें पता चला कि जो ऊपर का स्टाफ है उनका अलग ही आने वाला है यूनिफॉर्म आने वाला है। तो सर एक बात पूछना चाहूँगा आपसे मैं जी, जो आप बैंड इंडस्ट्री में हो तो आपके बिजनेस पर थोड़ा कुछ असर पड़ता है क्या सर? असर तो बहुत सारा पड़ा है कुछ न कुछ कारण से वजह से, क्योंकि बैंड इंडस्ट्री से एक ऐसी चीज है वो मेरे दिमाग में नहीं थे, अचानक लेके आए बिना सोचे समझे, तो फिर असर होने वाला है। पहला कदम लाइफ में मैंने ऐसा बिना सोचे समझे ही उठाया है, ऐसा मुझे लगता है अभी। लेकिन अभी हम थोड़े 4-5 महीने में स्टेबलिश हो जाएंगे, लेवल हो जाएगा, क्योंकि अभी आदत से हो गई है धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ मैं जितना टाइम देता हूँ इतना अच्छा रहता है ऐसा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए कोशिश करता हूँ यहाँ। जी। तो अजीत सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी आर्टिस्ट अलग अलग एरिया से आए हैं और अभी प्रैक्टिस चालू था, और आपके गाँव में बहुत सारी दुखद घटना हुई है, तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर इसका कोई असर पड़ा है? बहुत बहुत सारा असर पड़ा है। जब भी है ना ये बंदे मेरे आर्टिस्ट लोग आते हैं और गांव में मौत हो जाता है किसी का, मेरे रिश्तेदार में, मेरे नजदीक गांव के, मेरे घर के अगल बगल में, मतलब मेरा हमारा गांव है, हमारी फैमिली है, गांव में कुछ भी दुखद घटना होती है तो हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते 2-3 दिन। फिर 2-3 दिन के बाद में दूसरा और एक ऐसा ही इंसिडेंट होता रहता है, तो अभी तक से मौत हो चुका है 1 महीने के अंदर में मेरे काम में, उसके वजह से काफी सारा असर पड़ा है प्रैक्टिस पे। तो दिलीप भाई अपने चाहने वाले शुभराज ग्रुप को, चाहने वाले जो भी हमारे फैन है ऑडियंस है, उसको बताना चाहता हूँ कि खास प्रैक्टिस नहीं होने के वजह से 8 और 9 अगस्त के प्रोग्राम में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है परफॉर्मेंस पर, तो थोड़ा हमको कोऑपरेट करो। हम उसके बाद में जो हमारा गणपति का प्रोग्राम है हम उस पर हम अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मेरे जो आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि अभी भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी भी नहीं कि वो अभी 2-2 बजे तक सोते नहीं, कुछ कमी नहीं है सर। सोते बहुत नहीं, मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना टाइम मिलना चाहिए ना, वो टाइम नहीं मिला, उसके वजह से मैं अभी से बोल देता हूँ, बाद में फिर ऐसा नहीं लग रहा चाहिए अजीत सर बड़ी बड़ी बात करते हैं और परफॉर्मेंस तो कुछ ठिकाना नहीं, कारीगर का नाम बड़ा है, ऐसे भी कुछ कमेंट मैंने सुना है, इसके वजह से मेरे फैन को पहले ही मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, और जो जिसको अगर सुझाव देना चाहते हैं तो हमको बताइए, हमको आके मिले, आप अलग थलग लैंग्वेज में हमको कमेंट मत करो, कुछ जरूरत नहीं है। एक पानी भर गया था तो इसके लिए किसी ने कमेंट किया था, उसको मैंने खुद ही कमेंट किया था, मुझे कमेंट किया फिलीप भाई कि बड़े बड़े बात करते शुभराज वाले और पानी मिल में घुस गया, अरे यार रेलवे बंद हो गया तो ये शुभराज में पानी घुसने की क्या बड़ी बात, पानी बता के थोड़ी होता है, ये कुदरत के सामने हम क्या चीज है फिलीप भाई। सही बात है। तो आप कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के विचार करके हमारे साथ में कमेंट करो,
या आपको सुझाव देना चाहते हैं तो हमको सुझाव देना चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमको कुछ आपके साथ जुड़ना, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमको आइडिया देना चाहते हैं, तो आके मिलो। हम वही बोलते हैं कि सर है ना ये करो, तो हम वो करेंगे। अगर आप सही बोल रहे हैं तो वही करेंगे, लेकिन कमेंट गलत मत करो। और सर मैं पूछना चाहूँगा आपको, जो अभी नई नई लेडी सिंगर आ रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो ये बात पे मैं कुछ स्टडी के साथ में तो नहीं आया हूँ, जी मैंने कभी उसके ऊपर विचार भी नहीं किया हूँ, लेकिन जब जब आप मेरे साथ में क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उसका मैं आपको आंसर करता हूँ। वट एवर जो भी हो अपन करते हैं, तो मैं जो मेरे जो बहना मेरे जो माता पिता है, जो जो अभी जो नई लड़की आ रहा है, मेरी बहन बहन करके मानते हैं हम, तो ये बहनों को भेजने से पहले, जो सिंगर को भेजने से पहले, बैंड में भेजने से पहले माँ बाप को 10 बार विचार कर लेना चाहिए कि बैंड में, मैं चाहता हूँ कि बैंड में नई लड़की भेजो ही मत। देखो मेरे पास में तीन तीन लेडीज सिंगर है, लेकिन ये पहले से आई हुई है लड़की, वो उनका ही 4-5 साल का करियर है, तो वो कर रहे हैं, तो उसको देख के अपने बच्चियों को बैंड में मत भेजो। बैंड इंडस्ट्रीज मैंने 1 साल में देख लिया है, उसमें क्या होता है नहीं होता है, और आप सब लोगों को भी पता है, हमारा ऐसा नहीं है कि वहां पे रोजगार पे असर पड़ेगा। रोजगार सिर्फ बैंड इंडस्ट्री ही रोजगार नहीं होता है, ये एक एंजॉयमेंट वाली चीज जैसी दिख रही मुझे, उस पर कोई कमाने वाला आदमी नहीं है, नए ऑनर कमा रहा है, नए आर्टिस्ट भी है ना, थोड़े थोड़े पैसे आते हैं आर्टिस्ट के पास में भी, कुछ खास नहीं है। मैंने अभी तक का मैंने उसका अभ्यास करके मैं बैठा हूँ, तो मैं खास करके नई लड़की को मत भेजो, नई बच्ची को मत भेजो, आप दूसरे काम में लगाओ, उसको कंप्यूटर सिखाओ, या फिर नहीं है तो हमारे साथ में कांटेक्ट करो। कंपनियों में दुनिया भर का काम पड़ा हुआ है, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया पगार है हमारे कंपनी के अंदर में, सचिन के अंदर में, बहुत सारा हमारा लेबर सोसाइटी है उसके अंदर में, लेडीजों का बहुत सारा, अभी 40% रिजर्व है, 40% रिजर्व एंड लेडीज वर्कर, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल्स आया है, और 60% जेंट्स को हम हमारे कंपनी में लगा सकते हैं। मेरे सुबराज में 4-5 लेडी हमको कंपलसरी रखना पड़ता है, को मिल की बात कर रहा हूँ। तो अगर फैमिली वाले हुए तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हस्बैंड वाइफ रहे तो कुछ वादा नहीं है, लेकिन नई लड़की है, 10वीं 12वीं पास है लड़की, अभी अभी पढ़ाई टाइम पे है ना, आप खास करके ये माता पिता को बताना चाहता हूँ, उनको मत भेजो ना बैंड में, मुझे बैंड अच्छा नहीं वो भी नहीं बोल सकता कि बैंड अच्छा नहीं, तो वो कमेंट अपन करके अपन को गालियां देंगे लोग, लेकिन मुझे, मैं देख रहा हूँ वो अच्छा नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि ये अच्छा नहीं है, कि नई बच्चियों को आप सिंगर मत बनाओ, खास करके बैंड में। ये बात सुन के तो पब्लिक कमेंट करेगी सर कि आपके पास ही सिंगर लोग हैं और आप ही ऐसा बोल रहे हो ऐसा। मैं पूरा नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नई नई लड़की जो अभी सिंगर बन रही है उसको मना कर रहा हूँ, पुराने अच्छा वाले अच्छा जो अभी उसको तो आदत पड़ी हुई है। मेरे पास में अभी हमारे सपना बहन जी है, और ये जो है हिना, सुनैना सिंह हिना है, सुनैना है, जी उसके बाद में अगले साल से मेरे बैंड में हस्बैंड वाइफ रहेगा तो ही लेडीज रहेगी, उसके बाद जोड़ी नहीं रहेगा तो हमारे बैंड में लेडीज हम रखेंगे नहीं। जी जी अभी सही कमेंट करने से पहले ये 10 बार ही ना सुन लेना मेरे दोस्तों, हमारे चाहने वाले, कि हमने क्या बोला है, और आप सुनने के बाद में ही मुझे कमेंट करो, सही बात है ताकि है ना सर, लोगों को गलत फहमी नहीं हो, इसलिए। सही बात है। तो ओके, और दोस्तों और एक दो सरप्राइज है आज सुभराज बैंड का, तो हम वहाँ पर आपको लाइव ही जाकर दिखाएंगे, अजीत सर ही ओपनिंग करने वाले हैं। वो दो सरप्राइज है दी अजीत सर ने दिया है सभी के लिए, तो अजीत सर सरप्राइज तो बहुत ही मस्त है। मस्त है ना, जी तो ये वीडियो नेक्स्ट है, अभी ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अपन आज मुझे मेरे हिसाब से 3 वीडियो हमारे सुब्रत का आने वाला है, मिस्टर राज गावित और मिस्टर फिलिप गावित के यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद में सुब्रत पे भी शायद आ सकता है, लेकिन हमारा अभी यूट्यूब पर है नहीं, जी उसके वजह से ये भी कुछ नाराज होते थे मेरे से, क्योंकि बहुत दिन से वो वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे शेड्यूल फुल होने के वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जी दिलीप भाई बुरा नहीं मानना, बार बार वीडियो में आना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता है, सही बात लोगों है को मजाक लगता है ऐसा लगता है, और मुझे वीडियो में आना भी नहीं चाहिए,
इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक आध महीने में एक आध बार आए तो ठीक है, लेकिन आप आए उनके साथ में भी, मेरे आर्टिस्ट लोगों के साथ में भी बना सकते हैं। राज भाई क्या बोलना है? नहीं सही बात है, हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर आप है ना, दो पांच पांच दिन में, क्यों रोज क्यों नहीं बनाते? मेरा मेरा कुछ जाता नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो में बार बार मत लेके आओ, क्योंकि मेरा भी ऊंचे लेवल, ऊंचे के लेवल जो लोग है वो बोलते रहते हैं, हमारे नेता लोग बोलते रहते हैं, हमारे ऑफिसर बोलते रहते हैं, मुझे भी कभी कभी है ना उनका सुनना पड़ता है। तो आप नाराज मत हो जाना जी, कि जी आप लोग अजय सर आप वीडियो पे नहीं आ रहे हैं सब ऐसा, सही बात है। तो ओके दोस्तों, अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार और लाए आपको बताएंगे कि आज हम तीन वीडियो आने वाले हैं, सरप्राइज है नया, सरप्राइज है। तो पहले वीडियो में वो बता देते हैं कि हमारा साउंड सिस्टम का आएगा, दूसरे वीडियो में हम बैंड के, तीसरे वीडियो में लास्ट जो वीडियो आएगा उसमें हमारा बैंड के जितने भी आर्टिस्ट है उनके साथ में, और वहाँ का कुछ है नया चीज वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि उसका इंजीनियर अभी रास्ते में आ रहे हैं, तब तक अच्छी बात है आ जाए तो, नहीं तो फिर है ना वीडियो तो बनाना ही बनाना है। सही, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू बाय, थैंक यू गाय सबको, जय आदिवासी, जय जवाहर। 9 अगस्त को आना जरूर, संगढ़ में मिलेंगे, सबको इंतजार है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।